की डीएमपी महेश शर्मा सर मौजूद है। अगले वर्ष 20,000 है, 10,000 भाग लिए थे। तो फर्स्ट फ्राइडे को 1,00,000 रुपए मिले युवाओं को। आप नशा मुक्त बिहार के माननीय मंत्री जी की एक बार जोरदार चालू होनी चाहिए। और ये प्राइस है 10 किलोमीटर का मेन कैटेगरी है, ये रोशन करते रहे और इसी तरह जिंदगी में दौड़ भी रहे। तो ये जो चेहरे आप यहाँ स्टेज पे देख रहे हैं, बिहार सरकार के द्वारा यानी मद्य निषेध विभाग के द्वारा नशा मुक्ति की द्वारा यानी गांधी मैदान में मैराथन का आयोजन किया गया था। इसकी मुख्य रूप से जो भूमिका थी SBI के द्वारा इसका आयोजन कराया गया था। आयोजन को सफल कराने में जो मुख्य भूमिका रही SBI बैंक की रही। और आपको बताते थे कि रन फॉर नशा मुक्ति के लिए बिहार आज पटना की सड़कों पर उतरा। बिहार के तमाम जो युवा थे पटना के गांधी मैदान से अलग अलग रूट तय किया गया था, जो अटल पथ से लेकर के यानी आपको बताते चले कि मरीन ड्राइव से। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो पटना की सड़कों पर जो धावक है उतर चुके हैं। आपको बताते चले कि एक तरफ जब 5 किलोमीटर 10, 21 और 42 किलोमीटर की ये दौड़ का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि 10,000 धावक जो है पटना की सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, साथ ही आपको बताते चले कि इसमें आयोजन को सफल बनाने के लिए ओलंपिक की खिलाड़ी जो है अंजू बॉबी जॉर्ज भी पहुंची हुई हैं। और देखिए किस तरीके से जो आयोजन को सफल कराया, पहले हम सुनवाते हैं अंजू बॉबी जॉर्ज जो पहुंची क्या कुछ कह रही है। मैराथन को लेकर नशा मुक्ति की तरफ एक तरफ बिहार बढ़ रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? This is my second visit to Bihar, and the last year also I enjoyed a lot. And this is got for a good cause, Nasha Mukt Bihar. And every Indians actually we are pledging towards that. And the entire India is taking a step towards the drugs and all this misuse of drugs and the problems happening in among the youth. And this is not a problem in India; it's everywhere in the world. So such steps actually will support the youth to understand how difficult and how badly it will get affected. And see, everybody is coming and running for this good cause. Extremely happy. उसके बाद से second time आप आई हुई है, इस बार कितना बदल गया बिहार, कितना बदला हुआ दिख रहा है? See, now they know and this is they are anticipating for this competition, and every year this will conduct this annual program now. So the step what government is taken towards this problem, see drugs is something great. See, this is a they have started it as a small step, but now it's becoming big. इसके बाद से मैडम जिस तरीके से लगातार युवाओं में जो स्पोर्ट्स के प्रति रुझान है, लेकिन सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो भी अच्छा चीज़ है, नशा मुक्ति की तरफ किया गया, आयोजन किया गया। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि और करना चाहिए? आई एम नॉट एबल टू इसके अलावा भी नशा मुक्ति तरफ सर, एक तरफ कहा जा रहा है कि नशा मुक्ति की तरफ बिहार में शराबबंदी भी है और बिहार सरकार की पहल SBI के द्वारा कराई गई है, कितना अच्छा मानते हैं? That's what I said, that this kind of course, see, this is something great the state is doing, and see, people will understand. See, they are running for a good cause, they are running for Nasha Mukt Bihar, and so these people will go and tell their friends or their family that we are running for a good cause, and this is the problem. See, such initiatives among youth that will support in a big way for a state. तो आपने सुना किस तरीके से अंजू बॉबी जॉर्ज ने भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पर पटना में पहुँची हैं। आपको बताते चले कि दूसरी बार यानी पटना में पहुँची हुई नशा मुक्ति के लिए एक जो कार्यक्रम है अगले साल भी मनाया गया था, साथ ही इस बार भी मनाया गया। और देखिए तस्वीरें देखिए किस तरीके से तमाम जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनको यहाँ पर जो प्राइज़ जीते हैं यानी सबसे जो बड़ा प्राइज़ है 1,00,000 का प्राइज़ रखा गया था। उसके अलावा जो उनसे यानी रनर थे उसके सेकंड प्राइज़ जो थे उसमें 75,000 का रखा गया। उसके अलावा जो थे दूसरे यानी तीसरे नंबर का जो थे 42 किलोमीटर की जो दौड़ थी उसमें जो है 50,000 का प्राइज़ रखा गया। उसके अलावा जो 21 किलोमीटर की दौड़ थी उसके अलावा तमाम जो दौड़ प्रतियोगिता थे अलग अलग जगह से आए हुए थे, विदेश के भी खिलाड़ी इसमें हिस्सा लिए थे, वो भी यानी यहाँ पर जीत करके अपने नाम को एक तरीके से कहे स्थापित करने का काम किए। अगले साल भी आपने देखा किस तरीके से पटना के गांधी मैदान से जो नशा मुक्ति के लिए यहाँ पर धावक दौड़े थे, और इस बार भी यानी वही सेम टू सेम थीम है। बिहार सरकार चाहती है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, तो यहाँ भी
युवाओं को जागरूक करे और खेल मंत्री यानी मध्य निषेध मंत्री भी पहुँचे थे, तमाम जो पदाधिकारी बैंक के भी कर्मचारी पहुँचे होते वो अपनी बातों को रखे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से जो है बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो नशा मुक्त जरूरी है और नशा मुक्त के लिए युवाओं को खेल से जोड़ना जरूरी है। ये हम बिहार सरकार के सहयोग से इसको कराया गया है जिसमें हम मेन प्रायोजक हैं और हम आगे आने वाले समय में भी इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। हम चाहेंगे कि पूरा बिहार नशा मुक्ति के साथ साथ खेलों के प्रति भी उसका लगाव हो, आगे बढ़े और जैसे दूसरे राज्यों के खिलाड़ी अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे बिहार से भी हर क्षेत्र में खिलाड़ी निकलें और बिहार का नाम भी रोशन करें। आप मान रहे हैं कि जिस तरीके से नशा के प्रति युवाओं में जो लत लग रही है उससे को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं खेल जरूरी है? बिल्कुल, अगर आप उनको कुछ ऐसे कुछ माध्यम देंगे जहाँ पे वो अपने को व्यस्त रख सकें, शायद नशा मुक्त से इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता, इसके अच्छी कोई दवा नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें पूरी उम्मीद, आप देख रहे हैं जिस हिसाब से ये पूरा बिहार सरकार का ही आयोजन है, बिहार सरकार ने इसके प्रति काफ़ी सीरियसली उस पर उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया, कर रही हैं, आगे भी करेंगे और हमें उम्मीद है इन सार्थक प्रयासों से हम अपने इस प्रयास में सफल होंगे। मैं शिवोम दीक्षित, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।